हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीता जी किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा ग्रेवी। ग्रेवी बना के रख लीजिए, 5 मिनट में कोई सा भी सब्जी बनाने का मन हो तुरंत बना लीजिए। जैसे कि शाही पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, चाप हो गया, या आलू गोभी का शादी वाला सब्जी हो गया, मतलब कोई भी सब्जी ना आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं ग्रेवी बना के। इसको ना फ्रीज में आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और आसानी से आप अगर ऑफिस जाते हैं या मतलब कहीं, मतलब स्टूडेंट है कहीं बाहर रहते हैं आप, तो अगर आपके पास फ्रीज का सुविधा है तो ये वाला प्रोसेस करके रख लें। खाना बनाने में ना 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ग्रेवी। तो देखिए यहाँ पे लाल लाल पका पका टमाटर लिए हैं, 1 केजी टमाटर है। यहाँ पे 3 गांठ लहसुन लिए, इसको छील लेंगे। और 1.5 इंच का अदरक है, 10 लाल मिर्चा है, अब 10-15 हरा मिर्चा है, आधा पका हुआ लाल शिमला मिर्च है, और ये भी आधा से थोड़ा ज्यादा है हरा वाला शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर एक भी है तो काम चल जाएगा, ये हरा वाला है तो भी काम चल जाएगा, लाल वाला है तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे 1 केजी हम प्याज लिए हैं, दोनों का रेशियो एक ही रखे हैं, टमाटर और प्याज का एक ही बराबर है रेशियो। यहाँ पे हम कुछ खड़ा मसाला लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच जीरा है और 1 चम्मच काली मिर्च है, 3-4 बड़ी इलायची है और 1 चम्मच के करीब लौंग है, थोड़ा जावित्री का फूल है, 1 फूल होगा। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टिक दालचीनी का टुकड़ा है, यानी कि कुल मिला के 2 चम्मच के करीब है। 8-10 यहाँ पे हम चूल्हा जल गया है, यहाँ पे छोटा सा कढ़ाई रखते हैं, इसमें खड़ा मसाला डाल के और ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसको। मसाला को ना अलग से हम पीस के तैयार करेंगे, पहले भून जाए उसके बाद ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं, अब इसको उतार लेते हैं ठंडा। ये जो सूखा मिर्च है ये भी डाल लेते हैं कढ़ाई में ही, ये देखिए इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे ना तो आराम से पीस जाएगा। आप काट के इस तरीके से भी बना सकते हैं ग्रेवी, लेकिन इसमें ना छिलका रह जाएगा। मैं क्या करूँगी, इस तरीके से उबालने के लिए बैठा दूँगी टमाटर को और प्याज का छिलका जो है इस तरीके से छील लेंगे। जिंदा रहना है तो तेरी कसम। तो दोस्तों प्याज भी छील लिए हैं, अदरक भी छील लिए हैं। यहाँ पे देखिए प्याज का छिलका है, प्याज का छिलका से मेरा कहानी बहुत जुड़ा है दोस्तों। प्याज का छिलका जो हम लोग फेंक देते हैं, अब मैं फेंक देती हूँ, ये छिलका में से निकाल के प्याज में अपने घर में सब्जी बनाया करती थी, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तो ये छिलका को भी डाल लेती हूँ मैं। देख रहे हैं ये छिलका मैं उठा के ले जाती थी कचड़े में से, तो अपने घर में खाना बनाती थी। तो दोस्तों ये जो प्याज है ना, इसको मैं काट लेती हूँ, इसका ये डंठल वाला हटा दें और उसके बाद काट लेती हूँ। ये भी टमाटर के साथ ना गल जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि पिछला दुख भूल गई हो क्या, मैं कभी नहीं भूल सकती दोस्तों। सारा प्याज को रफली ही काट ले रही हूँ, अदरक को भी हम देखिए बारीक बारीक काट ले रहे हैं, टमाटर को नहीं काटे हैं, ठीक है। अब इसमें छिला हुआ जो लहसुन डाल लेते हैं और साथ में शिमला मिर्च भी धो लिए हैं, शिमला मिर्च को भी इस तरीके से काट लेते हैं। इसका बीज भी डाल देंगे। लाल वाला शिमला मिर्च को भी काट दे रहे हैं। जो हरा मिर्च लिए है ना, उसको भी डंठल तोड़ के इसी में डाल लेंगे।
अब यहीं पे हम 2 कप के करीब पानी डाल रहे हैं, 2 कप से 3 कप होगा, ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि इसको हमें पीसना ही है। तो पहले ये उबालने के लिए हम चढ़ा देते हैं चूल्हे पे, और उसके बाद हम जब ये उबल जाएगा उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो 2 से 3 कप पानी डाल कर हम इसको ढक दे रहे हैं। अब इसको ना 10 मिनट तक मीडियम आंच पे उबाल लेंगे। तो देखिए हमारा जो टमाटर है बहुत अच्छा उबल चुका है। एक बार ऊपर नीचे कर देते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, टमाटर का जो छिलका है ना, ये अपने आप फटने लगा है, देख रहे हैं। ऐसी हमें चाहिए। इसको पहले हम नीचे उतार के ठंडा करते हैं, ठंडा करेंगे तभी जाके हम आगे कुछ भी कर पाएंगे। इसमें से ना टमाटर हम बाहर निकाल ले रहे हैं। वैसे तो हमें इसका पानी अलग कर लेना है कि जल्दी ठंडा हो जाए, और टमाटर को छिलका उतारेंगे। टमाटर हम बाहर निकाल चुके हैं। अब इसको ना एक स्टेनर में पानी हम नीचे रख लेंगे, क्योंकि पानी हमें काम है, पानी फेंकेंगे नहीं, ठीक है। और ये जो है ठंडा हो जाएगा हमारा प्याज और सभी चीज़। तो इसको ना बढ़िया से बारीक पीसना है, थोड़ा थोड़ा आधा कप पानी डाल के और पीसना है बारीक, ठंडा हो जाए तो दोनों चीज़ों को पीस लेना है, टमाटर को भी और ये जो प्याज है हमारा वो भी। इसका जो पानी निकला है जूस, ये इसको रखेंगे हम, फेंकेंगे नहीं, ठीक है। और ये जो हमारा साबुत मसाला है इसको भी छोटा जार में डाल के और पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक पीसेंगे। इसके साथ में नहीं डाल के पीसिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि बारीक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अलग से पीसना है इसको छोटे जार में। पीस लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मसाले को डाल दिए छोटे जार में। ये जो टमाटर है ना इसका छिलका उतार देना है, फिर आपका प्यूरी ना बढ़िया बनेगा। इस तरीके से इसका छिलका आराम से उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखिए, तो हमारे मोहल्ले में हमारी जिठानी जी हैं, तो उनके लड़की का शादी है, तो उसमें से आया हुआ है, उनके ससुराल से आया है नेवता, तो बायन बटा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं टमाटर भी और प्याज जो था, प्याज शिमला मिर्च वगैरह और ये मसाला भी। तो आप सोच रहे होंगे कितना महीन कैसे पीसा है। तो एक हमारा बेटा ना नया मिक्सी दिलाया है, उससे ना बड़ा जल्दी एकदम बारीक पीस जाता है। तो मैं कौन सा मिक्सी ली हूँ आप लोगों को जानना है तो बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको भी चाहिए तो बोला मिक्सी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए कढ़ाई रख लिए हैं, अब वही आयु भूसा डालेंगे। अब यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अब हमारा जो तेल है ना अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं इसी में डालूंगी अपना ये प्यूरी। आप चाहें तो तेल में देगी मिर्च भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई। अब देगी मिर्च पहले डालें तेल में, तो अच्छा कलर आएगा प्यूरी में। मैं यहाँ किनारे डाल के थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। थोड़ा तेल में पक जाएगा तो अच्छा कलर देगा। फिर मिला दूंगी यहाँ पे, फिर टमाटर जो पीसी हूँ वो भी डाल लूंगी। जार में ना बहुत सारा लगा रहता है, और जिस बर्तन में रखिएगा उसमें भी लगा रहता है, तो उसको भी निकाल के अच्छा से आप डाल लें 1 कप पानी से। अब देखिए यहाँ पे हम सारा कुछ मिक्स कर दिए हैं, टमाटर और प्याज। अब यहाँ पे जो मसाला पीसे हैं वो मिलाएंगे इसमें। अब 1 छोटा चम्मच हम नमक डाल दे रहे हैं। वैसे आप जब सब्जी में ध्यान रखिएगा कि थोड़ा नमक इसमें है ग्रेवी में, आप चाहें तो बिना नमक के भी बना सकते हैं। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करके इसको पकाएंगे, और ये जो हम जूस बचाए थे ना देखिए, ये भी डालने के बाद ही पकाएंगे, ठीक है। ये जूस डाल दिए इसके अंदर। अब इसको हम 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा ये जो ग्रेवी वाला प्यूरी बन रहा है ना रेडी हो जाएगा। मीडियम आंच पे छोड़ देंगे इसको, बीच बीच में चलाते रहें
ये तला में चिपके ना, और देखिए कितना बढ़िया से आपका होममेड प्यूरी बन के तैयार हो रहा है। मतलब ये मार्केट में तो ऐसा प्यूरी मिल ही नहीं सकता, इतना बेहतरीन इसका कोई भी सब्जी बनेगा ना कि मैं बता नहीं सकती। आप बना के इस तरीके से स्टोर करके रखिए, फिर बनाइए और फिर अपना राय हमारे साथ शेयर। अब देखिए कितना बढ़िया इसमें से उबाल आना स्टार्ट हो गया है, बस इसको चलाते हुए ही इसमें उबाल लाना है, जब ही जाके आपका जो प्यूरी है काफी दिनों तक टिकेगा। मतलब आप इसको बाहर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता रख सकते हैं, और वैसे फ्रिज में रखिएगा तो काफी दिन तक चलेगा। अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच विनेगर मिला दीजिएगा, फिर खराब नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो सब्जी में ना खट्टापन आएगा, और उसमें हाँ चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, 2 चम्मच चीनी मिक्स कर दीजिएगा और 2 चम्मच विनेगर तो पता नहीं चलेगा, और आपका बाहर भी बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं आप। बस ऐसी उबाल आना चाहिए कि कच्चापन ना रहे प्यूरी में, और पानी जो था इसमें बढ़िया से पक जाए और लॉन्ग लाइफ हो जाए हमारा प्यूरी का। देख रहे हैं कितना बढ़िया टेक्स्चर आया हुआ है, एकदम देखने में ही लग रहा है कि कोई भी सब्जी बनाइएगा तो बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट आने वाला है। वैसे हलवाई लोगों के पास तो घंटों तक पकता रहता है ये धीमी धीमी आंच पे, लेकिन हम लोग घर पे बना रहे हैं तो 10 मिनट काफ़ी है। मैं भी एक बार अच्छा से उबाल ले लूं, फिर उसके बाद नीचे उतारूंगी। हमारा ग्रेवी बन के तैयार है दोस्तों, अब इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा करके जिस भी चीज़ में आपके पास सुविधा हो उस चीज़ में करके इसको, या टाइट डब्बा में करके रख सकते हैं, कोई बड़ा बॉटल हो उसमें, चौड़ा बॉटल हो उसमें करके रख सकते हैं, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखें। तो इस तरीके से आप ग्रेवी बनाइएगा दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारा ग्रेवी बनाने का तरीका ये भी बताइएगा, और जब मैं इसका कोई सब्जी बनाऊंगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं प्यूरी जो होममेड बनाई थी उसी से बना रही हूँ। तो आप लोग आने वाला न्यू वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में, जब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हमको पता है आप लोग बहुत ही प्यार से हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।